नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम अभी ब्रह्मपुर में आ गए हैं। ब्रह्मपुर में यहाँ पे देखिए कि यहाँ ना व्यवस्था है, व्यवस्था यहाँ चरम सीरा फेल है। यहाँ मौजूदा वार्ड पार्षद और सभापति के द्वारा मोटी मोटी रकम तो गबन की जाती है और यहाँ जनता जनार्दन की समस्याओं का कौन समाधान करेगा। तो यहाँ घर घर जा रहे हैं कौन, सभापति उम्मीदवार देवेंद्र प्रसाद जो, और यह समस्याओं को समाधान करने के लिए जनता के बीच में यह खड़े हुए हैं। आइए यहाँ जनता से बात करते हैं, क्या समस्या है। हाँ सर बताइए, क्या दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है यह कि बरसात में यहाँ पे पानी लगता है आपका जी, वार्ड में पानी होता है। वार्ड पार्षद और सभापति के पास जाते थे क्या बोलते हैं, सीधा कहते हैं कि बनेगा ना बस यही। हाँ यही। घर कितना दूरी है वार्ड पार्षद का? 40 मीटर। 40 मीटर। तब क्या इस बार आप लोग चाह रहे हैं बदलाव? हम तो सोच रहे हैं कि बना दीजिए, हम सब वोट देने वाला तैयारी है। घर में पानी जाके देखिए ना, हाँ बरसात में पानी होबे करता है, इतना पानी हिल जाता है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है दिनेश ठाकुर। सीधा देखिए कि यहाँ समस्याएं तो बहुत है लेकिन समाधान करने के लिए न वार्ड पार्षद न सभापति, सब केवल यहाँ पे क्या है कि मोटी मोटी रकम को गबन कर रहे हैं और इसी गबन को विकास के मुद्दे पे लाने के लिए कौन आ रहा है जनता के बीच में, भावी सभापति। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, गली में पानी भरा रहता है। यहाँ जाते हैं वार्ड पार्षद सभा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गली नाली के बारे में बोलते हैं कि ठीक है बन जाएगा, कब बनेगा पता नहीं करता। नोच लगा था।